हाय फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन रोल्स एंड इम्पार्शियलिटी। ये इस चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है और आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एज कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। तो आर्टिकल 50 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देता है। अब इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना ज़रूरी क्यों है। अगर हम सारे पॉइंट्स को कंटिन्यू करें तो हमें यही पता चलेगा कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जुडिशियरी को एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज लिंक्ड टू इट्स रोल एज द वॉचडॉग इन अ डेमोक्रेसी। तो वॉचडॉग इन अ डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी का रखवाला। जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस ये इंश्योर करती है कि बाकी दो ऑर्गन्स गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, अपनी पावर का मिसयूज ना करें और किसी की भी इंटरेस्ट को वॉयलेट ना करें। दूसरा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इंश्योर करती है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम, मतलब जैसे इंडिविजुअल्स को या सोसाइटीज को जो फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा मिली गई है कोई उन्हें वॉयलेट ना कर सके। जैसे अगर कुछ लोग पीसफुली असेंबल होके अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं या प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास ये राइट है और कोई उनको रोक नहीं सकता है। तीसरा पॉइंट है कि जुडिशरी एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी फिर से इंश्योर करती है कि इंडिविजुअल्स को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनका कोई भी वॉयलेशन ना करे। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का इम्पोर्टेंस हम इस तरह देख सकते हैं, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को एक्सपेंडेड मीनिंग दी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 बस इतना लिखा है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐड किया कि वेंडर्स जो रोड पे सब्जी बेचते हैं ये उनकी लिविंग है, तो कोई भी सरकार उन्हें वो करने से मना नहीं कर सकती है क्योंकि वो उनकी लिविंग से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि सारे ओल्ड एज लोगों को इंश्योर कर, सरकार इंश्योर करे कि उन्हें खाना पानी मिल रहा है। क्रिमिनल लॉज में भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि अक्यूज्ड को एक फेयर ट्रायल मिल रहा है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए भी इम्पोर्टेंस है। क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मींस कि स्टेट को जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनके सारे लीगल राइट्स जो सिटीजन्स को मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स दैट स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द लीगल राइट्स दैट आर ओड टू अ पर्सन एंड कन्फर्म टू नॉर्म्स ऑफ फेयरनेस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट एक्सेट्रा। और अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंश्योर हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।